आप सभी को सुपर भात गुड मॉर्निंग। और चूंकि मैंने कई लोगों के द्वारा मैसेज भी सुना कि एक टीम जा रही है वार्ता के लिए, और वार्ता के लिए या मुलाकात के लिए सचिवालय, वो मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई भी हरकत करने से बचे, क्योंकि मुझे कल जब बुलाया गया था तो वह सारी चीज़ें दिखाई गई, और उसमें जो कमिटी का ओपन का जो समय है वह पेपर से ढक दिया जाता था, इसलिए कि जिस पदाधिकारी के द्वारा वह सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इस चीज़ यह नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि यह दिखाने का आदेश नहीं है, और वही चीज़ दिखाई गई जो त्रिस्तरीय कमेटी के जितने IAS पदाधिकारी हैं और जिनके द्वारा अनुशंसा किया गया है, जो लिखा गया है त्रिस्तरीय कमेटी के फाइल पर, और सारे विभागवार जो लिखा गया है हर एक विभाग पर, वही चीज़ दिखाई गई। और उसमें ये बात कहा गया कि आपको जो चाहिए और आप जिसके लिए व्याकुल हैं तो वह चीज़ आपको शुक्रवार को उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आज कम से कम आप जो जानकारी लेने आए हैं वही लीजिए। तो मैंने बहुत सारे सवाल किए और उसका जवाब भी मिला, और आज मैं उन सारे लोगों से अपील भी करता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप लोग सचिवालय जाकर किसी भी पदाधिकारी को परेशान न करें और न ही इस तरह का दुस्साहस करें, क्योंकि आपका मामला जो है, आपका काम जो है, अब अंतिम स्टेज पर है, और जितने भी कमेटी में 17 विभाग हैं उन सारे मामलों को क्लियर कर लिया गया है, और जो ओपन होने वाला समय है उसको पेपर से ढक दिया जाता था, और चूंकि अब जब शुक्रवार को बुलाया ही गया है और वह अब क्या दिया जाएगा वहाँ से और किस तरह की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बात बोली गई थी पदाधिकारी के द्वारा कि जिसके लिए आप व्याकुल हैं वो आपको शुक्रवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बात मैंने अनुज जी मुतियारी को बताया भी, मैं उनका नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, और मुझे जो जितनी भी जानकारियाँ मिली वह सारी जानकारियाँ मैं उनको शेयर कर चुका हूँ, और इसलिए कर चुका हूँ कि आप लोग उनसे फ़ोन से पूछ लें, चूँकि मेरे पास आप लोग फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन रिसीव करना बहुत मुश्किल होता है, चूँकि मैं जॉब भी करता हूँ और कंपनी का एम्प्लॉय भी हूँ, और आपने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो मैंने उनसे कन्हैया कुमार का जो लेटर था, जो मजबूत ग्राउंड है उसी को आधार बनाकर उनको दिखाया था, तो उस पर उनका जवाब आया था कि बाबू मैंने आपका काम, आप लोग का काम कर दिया है, और उसके बाद जो पदाधिकारी को उन्होंने आदेश दिया कि इस लड़के को आप बुलाकर और आप वह सारी चीज़ें थोड़ा सा बता दीजिएगा, और उस पदाधिकारी का मैं नाम तो वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उस पदाधिकारी का क्या नाम था मैंने अनुज जी को बता भी दिया है, और कल मेरी जो बात हुई थी उस पदाधिकारी का भी मैंने नाम बता दिया है उनको, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको शेयर कर दी है, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, और अभी भी मैं अपील करता हूँ कि इस तरह का दुस्साहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सचिवालय जाकर और पदाधिकारियों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे मामला खींचेगा, और अभी का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक दिन महत्वपूर्ण है, बस इतना ही जान लीजिए कि एक एक दिन आज अभी से आपकी गिनती शुरू है, और एक एक दिन महत्वपूर्ण है।